हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमएससी एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अर्ली एडमिट एमएससी। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लीजिए, अगर इसको आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं बेनिफिट्स आपको बता दे रहा हूँ कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। इसमें आपको 5000 पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ओके, आपको पर मंथ का 5000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओके, और इसके लिए कोई भी गेट या जैम स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। ओके, एक तो आईआईटी में बिना जैम के स्कोर कार्ड का एडमिशन नहीं होता है, बट इस प्रोग्राम के थ्रू आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी जैम या गेट स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सेकेंड थिंग, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके रिसर्च वर्क के लिए, अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं तो। इतना तो पीएचडी में भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसके लिए, इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, बाकी पीएचडी में तो मिलता है। जा रहे तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप रिसर्च में डेडिकेटेड है जाने के लिए तो आपको इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ तो इतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इवन तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में ही। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट आप ध्यान रखेंगे वो है आपका 20 फरवरी, दैट इज 20 फरवरी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट ध्यान रखेंगे। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेंगे क्योंकि आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो स्क्रूटनी करके शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगर आप उसके लिए एलिजिबल हुए तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज नहीं। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ओके, तो मैं डिटेल्ड आपको शो कर देता हूँ। डेट मैंने जैसे बता दिया, लास्ट डेट आप ध्यान रखेगा, स्क्रूटनी करने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड निकलेगा वो फर्स्ट 27th को निकलेगा और जो इंटरव्यू होगा 3 से 9 मार्च के बीच में होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बता दूं कि इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने का। जैसे दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको या फॉर्म अप्लाई करने के लिए पैसे लगते हैं, बट अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, आपको एक तो 5000 पर मंथ का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। ओके, और अप्लाई करने का भी आपको कोई फी नहीं लग रहा है। अब इससे और अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, ओके, और सेकेंड थिंग, आपको फॉर्म फिल करके हार्ड कॉपी भी नहीं भेजना है, आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर लेना है, डाटा सब कुछ सही फिल करना है। ठीक है, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहा तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, और जो भी आपके पास है रिसर्च एक्सपीरियंस या जो आपने कहीं पेपर पब्लिश किया हुआ है या जो भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ, तो वो सारा आप इनके फॉर्म अप्लाई करने में अटैच कर देंगे। ठीक है, ये आपके क्या करेगा, आपके एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग बनाएगा क्योंकि ये इंटरव्यू के साथ आपका एकेडमिक स्कोर भी देखेंगे, एकेडमिक स्कोर का इनका जो भी क्राइटेरिया है। ओके, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता दूं तो ये भी जैसे बाकी आपके रेगुलर एमएससी होता है ये उसी टाइप से, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, मैं आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट खोल के आपको ये डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, तो ये भी रेगुलर एमएससी की तरह ही है। ओके, और बाकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक है जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे इनको ईमेल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जिन्होंने बीएससी 2020 में कंप्लीट किया हो या फिर 2021 में कंप्लीट करने वाले हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एडिशनल क्राइटेरिया है तो आप देख लेंगे, आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, जैसे अमंग द टॉप, आपको मतलब अगर 2020 में आप पास किए हैं तो आपको टॉप 5 के अंदर होना होगा आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए आपके डिपार्टमेंट जो है एक रैंक सर्टिफिकेट या रैंक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ये सारे कुछ कंडीशंस है, ये आप कंडीशंस देख लेंगे, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। रजिस्टर करने के लिए सिंपली जो अप्लाई बटन है यहाँ पे आप देख लो, इस अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक स्क्रीन खुलेगा, तो इसमें आपको नेशनल पीजी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए और एक न्यू यूजर के लिए। अगर आपने पहले क्रिएट कर रखा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक इस टाइप का स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम इंटर करना है। तो चलिए मैं एक रफली शो करता हूं, आपको ईमेल इंटर करने के बाद
आपको ईमेल इंटरव्यू में एक कैप्चा कोड इंटर कर देना होगा जे। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ओके, रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक स्क्रीन आएगा, इसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आपका जो क्रेडेंशियल है, मीन्स लॉगिन क्रेडेंशियल, वो आपके ईमेल पे भेज दिया गया है। तो इसके बाद अपना ईमेल चेक करेंगे, अगर ईमेल में नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर में देखेंगे, ठीक है। और कभी कभी तुरंत नहीं आता है तो आपको 10 मिनट रोक लेना है, या कभी कभी आधा घंटा भी आप मान लो। तो इसके बाद फिर वहां से आप अपना ईमेल, तो जो अभी आपने इंटर किया था हो गया, और एक पासवर्ड आपके ईमेल पे आया होगा, वो इंटर करके आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर देंगे। तो इस वे में आपको फिल करना है फॉर्म। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। कृपया इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, जैसे मोस्टली लोगों को ये पता है कि बिना जैम या गेट स्कोर के तो IIT में एडमिशन नहीं होगा, बट ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको बिना जैम और गेट के स्कोर कार्ड के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।